भारत के मूर्धन्य राजनेता, भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर, भारतीय संस्कृति के प्रबल पुरोधा, माननीय मुरली मनोहर जोशी का 89वां जन्मदिन दिल्ली में मनाया गया। डॉक्टर जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वह देश के गृह मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मात्र 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वह पहली बार 1977 में सांसद चुने गए थे। मुरली मनोहर जोशी को नवीन प्रयोगों के लिए जाना जाता है। भारतीयता के प्रति उनका आग्रह इतना ज्यादा था कि उन्होंने भौतिक विज्ञान की अपनी थीसिस हिंदी में लिख डाली थी, जो कि उस जमाने में बेहद क्रांतिकारी कदम था। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए डॉक्टर जोशी ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे उन्होंने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, संस्कृत शिक्षा, मदरसों को आधुनिक और कंप्यूटर से लैस बनाना जैसे कई कदम उठाए। डॉक्टर जोशी का देश के लिए योगदान इतना बड़ा है कि उसे कोई भुला नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 89वें जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक विद्वान और प्रतिष्ठित राजनेता सेवा, शिक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति उनका जुनून अनुकरणीय है। बीजेपी को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर जोशी का व्यक्तित्व बरसों तक नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। उनके जैसे अनुकरणीय व्यक्तित्वों के लिए शायद अथर्ववेद की यह पंक्तियां लिखी गई हैं। पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, बुद्धेम शरदः शतम्, लोहेम शरदः शतम्, पुषेम शरदः शतम्, भवेम शरदः शतम्, भूयेम शरदः शतम्, भूयसि शरदः शतात्।